फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिश्नर की राइट right स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली कमिश्नर की राइट स्पेलिंग अटेंशन प्लीज सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन कमीशन कमीशन में ई ER आर लग जाएगा हो जाएगा कमिश्नर ओके सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन ई आर कमिश्नर ध्यान दीजिए फोकस हियर यहाँ पर फोकस करिए डबल एम आएगा डबल एस आएगा लास्ट में ई ER आर आएगा ध्यान रखना है ए आर ओके कमिश्नर मैच कर लीजिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन ई आर कमिश्नर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंप्रहेंशिव की राइट right स्पेलिंग बताना है फ्रेंड्स ये स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टी जी टी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पूछी गई है कंप्रहेंशिव की राइट right स्पेलिंग रिस्पॉन्स इमीडिएटली ऑप्शन ए राइट है ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टू अटेंशन प्लीज शी ओ एम पी आर ई कंप्रेहेंसिव एच ई एन एस आई वी ई कंप्रेहेंसिव ओके यहां पर फोकस करिए एच ई एन होगा एच ई एन एस आई वी ई कंप्रहेंसिव ओके सी ओ एम पी आर ई कंप्री कंप्रीहेंसिव एच ई एन एस आई वी वीई कंप्रहेंसिव मैच कर लीजिए ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई वी ई ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड रोंगली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है सुपर अनोशन की स्पेलिंग रॉन्ग है सुपरंटेंडेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है अप्रेहेंसिव की स्पेलिंग रॉन्ग है या सीजर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर थ्री वाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है अप्रहेंसिव की स्पेलिंग राइट है सीजर्स की स्पेलिंग राइट है यहाँ पर जो रोंगली स्पेल्ड वर्ड है वो ऑप्शन ए है सुपर अनोशन फोकस ईयर राइट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए एस यू पी ई आर ए डबल एन ओके डबल एन यू ए टी आई ओ एन सुपर अनोशन में डबल एन आएगा ओके यहाँ पर सिंगल एन है इसलिए ऑप्शन ए क्या है रॉन्ग है गॉट इट यस यू पी ई आर ए डबल एन यू ए टी आई ओ एन गॉट इट ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट इमोजन इज द हीरोइन ऑफ विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की हीरोइन इमोजन है ऑप्शन ए शिम्बलिन ऑप्शन बी टाइटस एंडोनकस या ऑप्शन सी हेमलेट या ऑप्शन डी टेम्पेस्ट रिस्पॉन्स इमीडिएटली विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की हीरोइन इमोजन है शिम्बलिन की टाइटस एंडोनकस की हेमलेट की टेम्पेस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इमोजन नाम की हीरोइन जो आती है शिम्बलीन में आती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजिडी कंसीडर किया जाता है हेमलेट क्या है ग्रेट ट्रेजिडी है टेम्पेस्ट क्या है विलियम शेक्सपियर जी का स्वांग स्वांग है ध्यान रखना स्वान श्वांग है ओके ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु अटेंडेड द अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले जस्टिस ऑप्शन ए बिंडसन चर्चिल या ऑप्शन बी क्वीन इलिजाबैथ या ऑप्शन सी विलियम ब्लेक या ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन हू अटेंडेड द अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले जस्टिस फ्रेंड्स इज ए वर्क है जस्टिस गर्ल्स वर्दी का वर्क है ये वर्क नाइनटीन टेन में आता है ओके इसका वर्क है गर्ल्स वर्दी ओके गर्ल्स वर्दी का वर्क है जस्टिस जस्टिस क्या है प्ले है ओके प्ले नाइनटीन टेन में आता है और इसके परफॉर्मेंस को बिंसन चर्चिल जो है अटेंड करते हैं ऑप्शन इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा हु अटेंडेड द अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले जस्टिस बिंसन चर्चिल गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वर्ड्स वर्थ पोइटिक प्ले द बॉर्डर्स एज वर्ड्स वर्थ का जो पोइटिक प्ले है ओनली प्ले ओके ये विलियम वर्ड्स वर्थ का क्या है ओनली प्ले है मात्र एक ही प्ले लिखा उन्होंने ये क्या है टू एक्ट्स थ्री एक्ट्स फाइव एक्ट्स या ऑप्शन डी फोर एक्ट्स द बॉर्डर्स में कितने एक्ट्स हैं रिस्पॉन्स इमीडिएटली द बॉर्डर्स जो वर्क है ये विलियम वर्ट जी का ओनली प्ले है 1842 में आता है ओके 1842। टोटल इसमें फाइव एक्ट हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके फाइव एक्ट गट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोमन प्लेस कौन सा वर्क जो है रोमन प्लेस नहीं है सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा पेरिक्लीस कोरियोलेनस रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोमन प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है फ्रेंड्स रोमन प्लेस हुई इज नॉट फोकस यर नॉट जूलिय सीजर है एंटोनियन क्लोपेट्रा है कोरियोलेनस है ओके जूलियस सीजर एंटोनियन कलोपेट्रा कोरियोलेनस ये रोमन प्लेस है रोमन प्लेस का जो सोर्स है प्लुटार्क बाय लाइफ्स ओके या लाइफ्स ऑफ प्लूटार्क ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो रोमन प्लेज नहीं है पेरिक्लीज नहीं है पेरिक्लीज ओके पेरिक्लीज का सब टाइटल है द प्रिंस ऑफ टायरे द प्रिंस ऑफ टायरे ओके जो पेरिक्लीज वर्क है विलियम शेक्सपियर जी का जब फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में 1623 में जब फर्स्ट फोलियो आता है इस प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था ओके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो फर्स्ट पोलियो में इंक्लूड नहीं हुआ था फ्रेंड्स फर्स्ट पोलियो का जो क्रेडिट जाता है वो दो एक्टर हैं ध्यान दीजिएगा हेमिंग एंड काउंडेल हेमिंग एंड काउंडेल ये एक दो एक्टर्स हैं फर्स्ट पोलियो का जो क्रेडिट है इन्हीं दो एक्टर्स को जाता है हेमिंग एंड काउंडेल इट फ्रेंड्स रोमन प्लेस एक ट्रिक है ध्यान रखिएगा आप लोगों को जैक याद रखना जैक जूलियस सीजर एंटोनी क्लिप्ट्रा कोरियोलेनस ओके जैक इट नेक्स्ट फॉर्टिन ब्रास इज आ करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले फॉर्टिन ब्रास जो करेक्टर है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आता है किंग्लियर में ऑथेलो जूलियसिजर हैमलेट रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर्टिन ब्रास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ध्यान रखिएगा फोर्टिन ब्रास नाम का जो करेक्टर है विलियम शेक्सपियर के हेमलेट प्ले में आता है डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ओके गॉट इट क्वेश्चन नंबर एट सोलिलॉकी इज डिफाइंड एज द लाउड थिंकिंग ऑफ एनी करेक्टर हु कैन हेयर इट फ्रेंड्स ध्यान दीजिए सोलिलोकी जो है इज डिफाइंड एज द लाउड थिंकिंग ऑफ एनी करेक्टर हु कैन हेयर इट सोलिलोकी को कौन सुन सकता है ऑप्शन ए अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज या ऑप्शन बी द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले ऑप्शन सी द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले या ऑप्शन डी द होल आइडेंस रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा सोलिलोकी क्या होती है लाउड थिंकिंग ऑफ एनी करेक्टर ओके सोलीलोकी को संपूर्ण आइडियंस सुनते हैं डिज द राइट आंसर द होल आइडियंस ऑप्शन डीज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इन द टेम्पेस्ट मिरांडा कैलिवन एंड प्रोस्पेरो इन द आइलैंड फॉर ईयर्स टेम्पेस्ट प्ले में मिरांडा कैलिबन एंड प्रोस्पेरू कितने वर्षों तक आइलैंड पर रहते हैं ऑप्शन ए ट्वेल्व इयर्स, ऑप्शन बी टेन इयर्स, ऑप्शन सी सिक्स इयर्स, ऑप्शन डी फोर्टीन इयर्स। रिस्पांस इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्वेल्व इयर्स। ओके मिरांडा कैलिवन प्रोस्पेरो 12 years तक आइलैंड पर रहते हैं इज़ द राइट आंसर मिरांडा जो है टेम्पेस्ट की हीरोइन है प्रोस्पेरो की डाटर है ध्यान रखिएगा टेम्पेस्ट प्ले में मिरांडा जो आती है वो टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन है प्रोस्पेरो की डाटर है ओके कैलिबन क्या है कैलिबन जो है विलन है ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड विलन की राइट right स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली विलन वाट विल बी द राइट आंसर विलन मीन्स क्या होता है खलनायक ओके फोकस ईयर वी आई डबल एल ए आई एन विलन की स्पेलिंग होती है वी आई डबल एल ए आई एन मैच कर लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके स होता क्या है खलनायक होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गॉट इट फ्रेंड्स ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग शेयर करें लाइक करें क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ इन विच पोएम बिलियम वर्ड्स डिस्क्राइब्स डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर बिलियम वर्ड्स वर्थ इन विच पोएम बिलियम वर्ड्स वर्थ डिस्क्राइब्स डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात की है ऑप्शन ए द वर्ल्ड इज टू मच विद या ऑप्शन बी डेफोडिल्स या ऑप्शन सी लिज गैदर या ऑप्शन डी टिटरवे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एलेवन वाट विल बी द राइट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ जी किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात करते हैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टिंटर्न अवे ओके टिंटर्न अवे टिंटर्न अवे जो है ये जो पोएम है ल्रिकल बैलॉट्स की लास्ट पोएम है ये थर्टीन जुलाई ध्यान रखिएगा थर्टीन जुलाई सेवनटीन नाइन्टी एट में पोएम आती है इन लर्कल बैलॉट्स फर्स्ट एडिशन ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात विलियम वर्ड्सवर्थ जी टिंटर नबे में करते हैं इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हुईच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्स वर्थ हैज बीन कार्ड द फाइन फ्लावर ऑफ एटीन सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री विलियम वर्सवर्थ ने किस वर्क को द फाइन फ्लावर ऑफ एटीन सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री कहा है ऑप्शन ए लूसी पोइम्स ऑप्शन बी टी टे ऑप्शन सी लिर्कल बैलॉट्स ऑप्शन डी

जिस वर्ग की बात करते हैं ये जो पोएम है टिंटर्न अवे है बे इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ओके गॉट इट फ्रेंड्स टिंटर्न अवे इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन हुईच ऑफ द वर्क विलियम शेक्सपियर हैज़ कॉल्ड द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन व्च वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज़ कॉल्ड द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर ने किस वर्क को फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है ऑप्शन ए रेफ ऑफ ल्युक्रीज या ऑप्शन बी वीनस एंड एडोनिस या ऑप्शन सी लफ्स लेबर लॉस्ट या ऑप्शन डी फोनिक्स एंड टर्टल रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इज द राइट आंसर वीनास एंड एडोनिस वीनास एंड एडोनिस जो पोएम है फिफ्टीन नाइनटी थ्री में आती है ओके सिक्स लाइन स्टेंजा में लिखी गई है सिक्स लाइन स्टेंजा में जिसकी राइमिंग स्कीम है एवी एवी सी सी ओके और ये जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस हेनरी राधेशले अर्ल साउथहम्पटन को डेडिकेट है ओके okay? इसका जो सोर्स है ओबिट मेटामोरफोसिस से लिया गया है ओबिट मेटामोर्फोसिस गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैलेंडर की स्पेलिंग राइट right है आर एर की स्पेलिंग राइट right है फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग राइट right है या एटिकेट की स्पेलिंग राइट right है रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोकस ईयर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है फ्रेंड्स इजी वन है कैलेंडर की स्पेलिंग यहां पर मिस्टेक है कैलेंडर की जो राइट स्पेलिंग होगी फोकस ईयर सी ए एल ई एन डी ए आर ध्यान रखिएगा यहां पर ई e आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा ए आर आएगा कैलेंडर ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके फ्रेंड्स वन मिनट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है करेक्ट जो स्पेलिंग वर्ड यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइट है यहां पर कैलेंडर की राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी सी एल ई एन डी ए आर फार्मास्यूटिकल की राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी पी एच ए आर एम ए फार्मास्यूटिकल सी ई यू आई टी आई सी ए एल फार्मास्यूटिकल एटिकेट की स्पेलिंग राइट क्या हो जाएगी ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गॉट इट यहां आरकी की स्पेलिंग क्या है राइट है बाकी कैलेंडर फार्मास्यूटिकल एटिकेट की स्पेलिंग रॉन्ग है ओके गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एपिलॉग एपियर्स एपिलॉग कब एपियर होता है कहाँ अपीयर होता है ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ द प्ले या ऑप्शन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले या ऑप्शन सी एट द मिडल ऑफ द प्ले या ऑप्शन डी एनी टाइम वेयर इट प्रेजेंस फेल्ट नेसेसरी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाट इज एपिलॉग एपिलॉग क्या है एपिलॉग प्ले में कहाँ पर अपियर्स होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एपिलॉग्स होता है एंड ऑफ द प्ले प्ले के लास्ट में एपिलॉग अपीयर होता है ए इज द राइट आंसर एपिलॉग का अपोजिट क्या हो जाएगा प्रोलॉग प्रोलॉग जो होता है प्ले के स्टार्टिंग में अपियर होता है एपिलॉग्स जो होता है प्ले के लास्ट में आता है ओके गॉट इट प्रोलॉग फर्स्ट ऑफ द प्ले एपिलॉग एट द एंड ऑफ द प्लेके ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट पेरीपिट मीन्स ऑप्शन ई रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन या ऑप्शन बी कन्वर्सेशन ऑफ करेक्टर या ऑप्शन सी डाउन ऑफ नॉलेज या ऑप्शन डी फ्ला इन ट्रेजिक हीरो रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पेरीपिटैया मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन ए एज द राइट आंसर रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन पेरीपिटैया कहलाता है ए इज द राइट आंसर कट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड फोकस ईयर वाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑप्शन ए मिटोनमी ऑप्शन बी ओनमोटोपैया ऑप्शन सी परसोनिफिकेशन ऑप्शन डी शिमली वाट विल बी द राइट आंसर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है इजी वन है फ्रेंड्स गैसर आंसर मिटोनमी होगा ओनोमोटोपिया होगा परसोनिफिकेशन होगा शिमली होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओनोमोटोपैया ओके बी इज द राइट आंसर मिटोनमी क्या है चेंज द नेम जैसे क्राउन ओके मोनार्की क्राउन ध्यान रखिएगा आई रीड मिल्टन कौन सा फिगर है स्पीच मिटोनमी है ओके बाकी आप लोग शिमली पर्सोनिफिकेशन से अच्छे तरह से आप लोग परिचित हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हुई चार द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब सॉर्डेड बोन सोलडेड बोन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर है कैसमस है ऑक्सी है शिमली है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट्टीन। गैसर आंसर सॉल्डिड बोन में मेटाफर होगा शिमली होगा ऑक्सी होगा या फिर ऑप्शन डी शिमली होगा या क्यासमस होगा फ्रेंड्स सोलडेड बोन में ऑक्सीमोरान होगा सी इज द राइट आंसर ओके वाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन द स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन र्सोनिफिकेशन मिटोनमी शनेगटकी हाइपरबली फ्रेंड्स यहां पर दे होगा दे स्ट्रेस्ड आ नेवर एंडिंग लाइन परसोनिफिकेशन मिटोनमी सेनेगटकी हाइपरबली एवम लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है रिस्पॉन्समीडिएटली दे स्ट्रेच इन वर एंडिंग लाइन ये ओवर स्टेटमेंट की बात हो रही है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एवं लाइन में है स्पीच का यूज हुआ है डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चेंज इन टू पैसीवाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पैसीवाइज से है देख लीजिए सेंटेंस है आई हैव फ्लाउन दिस प्लेन फॉर सेवन ईयर्स इसको पैसी वाइज में चेंज करना है ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चेंज इन टू पैसी वाइस आई हैव फ्लाउन दिस प्लेन फॉर सेवन ईयर्स फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा दिस प्लेन सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो दिस प्लेन हो जाएगा ओके प्लेन प्लेन इज सिंगुलर तो हैव का क्या हो जाएगा हैज बीन ओके दिस प्लेन हैज बीन ध्यान दीजिए ऑप्शन में ऑप्शन ए में इज बीइंग लगा है ऑप्शन ए नहीं होगा ऑप्शन बी में हैज़ बिन हो सकता है ऑप्शन सी में हैज़ बीन हो सकता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी में हैज़ है बीन नहीं तो ऑप्शन डी नहीं होगा यानी दो ऑप्शन आपके कट गए या तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा दिस प्लेन हैज़ बीन उसके बाद फ्लाउन का थर्ड फॉर्म फ्लाउन ही रहेगा तो फ्लाउन हो जाएगा दिस प्लेन हैज बीन फ्लाउन फ्लाउन By why? Okay, me, me. Okay, for seven years, for seven years, B and C. Friends, option B, option C is the same. फोकस यार आप लोग गौर करिए दिस प्लेन हैज बीन फ्लाउन बाय मी फॉर सेवन इयर्स दिस प्लेन हैज बीन फ्लाउन बाय मी फॉर सेवन इयर्स यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बी एंड सी इज द राइट आंसर ओके गॉट इट नेक्स्ट वन स्टडीज़ द पैटर्न वोटिंग इन इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट या ऑप्शन सी लेक्सकोग्राफिस्ट या ऑप्शन डी एंथोलॉजिस्ट रिस्पॉन्स इमीडिएटली वन हु स्टडीज द पैटर्न वोटिंग इन इलेक्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सेफोलॉजिस्ट ओके वन हु हुडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट कहलाता है इज द राइट आंसर ओके एंथोलॉजिस्ट कंपोजर ऑफ पोएम्स शॉनेट ओरजिनेटेड इन विच कंट्री सोनेट का उदय किस कंट्री में हुआ इटली इंग्लैंड फ्रांस जापान रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फ्रेंड्स सॉनेट का जो उदय हुआ इटली में हुआ इज द राइट आंसर ओके थर्टीन सेंचुरी ओके थर्टीन सेंचुरी में इसका उदय हुआ फोर्टीन सेंचुरी में शॉनेट पब्लिश हुई ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके ध्यान दीजिए इटली में थर्टीन सेंचुरी में जब इसका उदय हुआ तो इसका जो क्रेडिट जाता है गियाकोमो लिंटानी ओके गियाकोमो लिंटानी नेक्स्ट हुईच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल स्टर्न इन द सेंस ऑफ एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी पोएम जो है टेबल स्टर्न से सिमिलर है वेरी सिमिलर टू टेबल स्टर्न इन सेंस यहां ध्यान दीजिए सेंस में ऑप्शन ए एक्सपर्सुलेशन एंड रिप्लाई या ऑप्शन बी टिंटरबे ऑप्शन सी माइकल ऑप्शन डी लीच गैदरर स इमिडियटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ए इज द राइट आंसर एंड रिप्लाई ए इज़ द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा हुई पॉइंट स्टैंड वेरी सिमिलर टू टेबल स्टैंड इन द सेंस ऑफ एलिमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इक्स एंड रिप्लाई गट इट नेक्स्ट वैन वॉज द प्रल्यूट पब्लिश प्रल्यूट कब पब्लिश हुआ एटीन जीरो फाइव एट्टीन फिफ्टी सेवेंटीन नाइनटी एट एट्टीन फोर्टी थ्री रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स फोकस ईयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिए प्रल्यूट एटीन जीरो फाइव में कम्प्लीट होता है एट्टीन जीरो फाइव में क्या होता है कम्प्लीट होता है ओके okay? एटीन फिफ्टी में ये पब्लिश्ड होता है ओके okay? पब्लिश्ड होता है बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन, ओके फ्रेंड्स प्रल्यूट में टोटल फोर्टीन बुक्स हैं कितनी बुक्स हैं फोर्टीन बुक्स हैं ओके okay? प्रल्यूट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन ओके विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब वर्क लिखा था द प्रल्यूट तो इसको नाम दिया था पोएम टू कॉलरिज ध्यान रखिएगा क्या नाम था इसका पोएम टू कॉलरिच फिर उसके बाद मैरी हचिंसन ने प्रल्यूट का नाम रखा ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रल्यूट का पब्लिश होता है 1850 में बी इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिएगा ओके इट नेक्स्ट हु क्वाइंट द टर्म इसपोर्ट ऑफ टाइम स्पोर्ट ऑफ टाइम को किसने क्विन किया बायरन शैली वर्सवर्थ फ्रांसिस जेफरी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हु क्वाइंट द टर्म इस्पोर्ट ऑफ टाइम स्पोर्ट ऑफ टाइम को किसने क्विन किया नन अदर देन विलियम वर्सवर्थ सी इज द राइट आंसर स्पोर्ट ऑफ टाइम को किसने क्विन किया बिलियम सी इज़ द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हुड बिलियम वर्ड्सवर्थ एज टर्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ को टर्सवर्थ किसने कहा वायरन एस्टी कॉलरीज रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रांसिस जेफरी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बायरन इज द राइट आंसर बायरन ने विलियम वर्ट्सवर्थ को टर्ट्स वर्थ कहा है इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिएगा इज द राइट आंसर नेक्स्ट हु क्विंट द टर्म मार्लोस माइटी लाइन मार्लोस माइटी लाइन टर्म किसने कोइन किया डॉक्टर जॉनसन वेन जॉनसन रॉबर्ट ब्राउनिंग मैथ्यू रोनाल्ड रिस्पॉन्स इमिडियटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मार्लोज माइटी लाइन्स जो टर्म कॉइन किया है नन अदर देन बेन जॉनसन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आनिज ब्लाइंडनेस इज सोनेट नंबर एटीन नाइनटीन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री रिस्पॉन्स इमीडिएटली ये जो सोनेट है ऑनहिज ब्लाइंडनेस ओके जॉन मिल्टन की सोनेट है जॉन मिल्टन ने सोनेट लिखा था तब इसे कोई टाइटल नहीं दिया था इसका जो टाइटल दिया था टॉमस न्यूटन ध्यान रखना टॉमस न्यूटन ने इसका नाम दिया ऑनहिज ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखेगा स मिल्टन जी ने पोम कंपोज किया 1652 में, ओके, 1652 में में ओके तब इसे कोई टाइटल नहीं दिया इसको जो टाइटल दिया है टॉमस न्यूटन ने दिया है तो फ्रेंड्स मिल्टन जी ने सोनेट को लिखा था कौन सी सोनेट थी सोनेट नंबर 19 बी इज द राइट आंसर तब इसे सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता था ओके गॉट इट फोर्टीन लाइन्स पोएम को सोनेट कहते हैं फोर्टीन लाइन्स पोएम को सोनेट कहते हैं गॉट इट बीज द राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जॉन मिल्टन जब ब्लाइंड हो जाते हैं तो कौन सा पोएट इनकी हेल्प करता है पोएम को कंपोज करने में प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन बार्ड ऑफ एवन के नाम से कौन जाना जाता है विलियम वर्ट्सवर्थ, विलियम ब्लेक विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर बार्ड ऑफ अवन स्वीट स्वान ऑफ अवन ध्यान रखिए स्वीट स्वान ऑफ अवन ओके बार्ड ऑफ अवन विलियम शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ अवन विलियम शेक्सपियर ये सब मेंट किया किसने है तो बेन जॉनसन ओके बार्ड ऑफ अवन विलियम शेक्सपियर किसने कहा बेन जॉनसन स्वीट स्वान ऑफ अवन किसने कहा बेन जॉनसन ओके फ्रेंड्स यहां पर एवन क्या है रिवर नेम है ओके श्रोनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड जेनिथ जेनिथ का शिनोनिम बताना है बॉटम शमिट वेस हॉर्जन रिस्पॉन्स इमेडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी जेनिथ मीन्स होता है चोटी क्या होता है चोटी तो बी इज द राइट आंसर शमिट शमिट मीन्स क्या हो जाएगा चोटी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके बाकी ऑप्शन ए ऑप्शन सी इसके एंटेनिम है जेनिथ में द बॉटम बेस इसका एंटेनिम हो जाएगा बेस द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन अलूजन इज असिनिम ऑफ रेफरेंस या ऑप्शन बी अनोनिम ऑफ पोएट्री या ऑप्शन सी एंड इनडायरेक्ट आर पासिंग रेफरेंस टू समवन या ऑप्शन डी नन लूजन क्या है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन डायरेक्ट आर पासिंग रेफरेंस टू शमन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द किंग क्लाउडियस वॉज किल्ड बाई किंग क्लाउडियस की हत्या किसके द्वारा की गई टिस हेमलेट होरेशियो पोलोनियस रिस्पॉन्स इमीडिएटरी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू किंग क्लाउडियस वॉज किल्ड बाई हेमलेट बीज द राइट आंसर किंग क्लाउडियस को कौन मारता है हेमलेट मारता है ओके फ्रेंड्स पोलोनियस को भी हेमलेट मारता है बीज द राइट आंसर ज बीन रिकॉर्डेड आइज प्रिंस इंग्लिश एसे प्रिंस इंग्लिश एसे के नाम से कौन जाना जाता है वैकन चार्ल्स लेम मॉन्टे अरिस्टोटल रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फ्रेंड्स हु रिकॉर्डेड एज प्रिंस इंग्लिस एसे बी इज द राइट आंसर चार्ल्सैम बेकन क्या है फादर ऑफ इंग्लिश एसे ये क्या है बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ए ओके फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन मोन्टे फादर ऑफ एसे फादर ऑफ ए ओके इंपॉर्टेंट फैक्ट है कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए प्रिंस इंग्लिश से चार्ल्स लैम बी इज द राइट आंसर वेकन फादर ऑफ इंग्लिश से जब क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इंग्लिश से तब आपका आंसर हो जाएगा वेकन जब क्वेश्चन होगा फादर ऑफ ऐसे से तब आंसर हो जाएगा मोंटे ओके गॉट इट ज द राइट आंसर नेक्स्ट हु इज नॉन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म फादर ऑफ किसे कहा जाता है अरिस्टोटल जॉन ड्राइडे टी सिलियट विलियम कोलिंस रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हुई क्वेश्चन होगा फादर ऑफ क्रिटिसिजम तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अरिस्टोटल हो जाएंगे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जब ये क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म फादर ऑफ क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन ओके ध्यान में रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूज ना हो वंस अगेन जब ये क्वेश्चन होगा कि ज नॉन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल आंसर हो जाएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा हु इज नॉन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म तब आपका आंसर क्या हो जाएगा जॉन ड्राइडन ओके गॉट इट नेक्स्ट थर्टी फाइव रोमांटिसिजम एंड आइडियालिज्म आर मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म मेन फीचर्स हैं ऑप्शन ए रोमांटिक लिटरेचर ऑप्शन बी विक्टोरियन लिटरेचर या ऑप्शन सी एलिजाबेथन लिटरेचर या ऑप्शन डी अगस्टन लिटरेचर रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म जो फीचर हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर रोमांटिक लिटरेचर ओके रोमांटिक लिटरेचर का जो फीचर्स है रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स प्यूटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन प्यूरिटन्स ने इंग्लैंड में सभी थिएटरों को कब बंद किया ऑप्शन ए सिक्सटीन फोर्टी टू ऑप्शन बी सिक्सटीन फोर्टी ऑप्शन सी सिक्सटीन सिक्सटी या ऑप्शन डी सिक्सटीन फोर्टी नाइन रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स प्यूटन शट डाउन ऑल द थिएटर्स इन इंग्लैंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सिक्सटीन फोर्टी टू सिक्सटीन सिक्सटी में रीओपेंड थिएटर को रीओपेंड कर दिया जाता है ओके रीओपेंड सिक्सटीन सिक्सटी में रीओपेंड जब यह जाता है रेस्टोरेशन इज़ ओके रेस्टोरेशन इज में थिएटर को ओपन कर दिया जाता है 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया जाता है तो ए इज द राइट आंसर यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1642, ओके नेक्स्ट वेयर वाज मिल्टन वरेट मिल्टन को कहाँ दफनाया गया ऑप्शन ए इन द चर्च ऑफ एस्टी गर्ल्स क्रिपल गेट या ऑप्शन बी एट विमेस्टर ग्रेवियार्ड या ऑप्शन सी इन स्पेन या ऑप्शन डी एट सेंट पैटर्स चर्च रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वेयर वॉज मिल्टर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन द चर्च ऑफ येंट ग्रिपल ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए ऑल वर्ड फॉर्म्स हैल फंक्शन या ऑप्शन बी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स या ऑप्शन सी स्टडी ऑफ सेलेक्टेड वर्ड्स फॉर्म्स या ऑप्शन डी द सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रेंड्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड डिक्शन ओके सेलेक्शन ऑफ वर्ड डिक्शन फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर लेक्सिस क्या है ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन ए इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट हुई ऑफ दिस प्लेस बाई विलियम शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग यूज़ नहीं हुआ है ऑप्शन ए आई जू लाइक इट ऑप्शन बी जूलियस सीजर ऑप्शन सी सिम्बलिन ऑप्शन डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा रीच ऑफ दिस प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग जूलियस सीजर इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जूलियस सीजर में क्राफ्ट ड्रेसिंग का यूज नहीं हुआ है बी इज द राइट आंसर जूले सीजर क्या है रोमन प्ले है विलियम वर्ट्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डेफोडिल्स इन समर इवनिंग अ वैकेंड एंड पैसी मूड या ऑप्शन सी हिज ओल्ड इज या ऑप्शन डी द कंपनी ऑफ अदर्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी विलियम वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डेफोडिल्स इन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अ वेकेंट एंड पेंसिव मूड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ओके बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट बायोग्राफी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर्न बाय समोनेल्स या ऑप्शन बी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटर्न बाई हिमसेल्फ या ऑप्शन सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिक्रिएटेड इन पेंटिंग बाई हिमसेल्फ या ऑप्शन डी आल रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन बायोग्राफी मीन्स बायोग्राफी क्या होती है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटर्न बाई शमन एल्स ए इज द राइट आंसर ओके ए इज द राइट आंसर लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटर्न बाई हिमसेल्फ यह क्या हो जाएगी ऑटो बायोग्राफी ऑप्शन बी क्या है ऑटो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्या होता है लाइफ हिस्ट्री बाई पर्सन रिटर्न बाई हिमसेल्फ रिटर्न बाई हिमसेल्फ ऑटो बायोग्राफी रिटर्न बाई समोनेल्स बायोग्राफी गॉट इट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ द वेलियवर टेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट हैव बीन टेकन फ्राम कावर डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ द वेलियट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस किस प्ले की लाइन है टेम्पेस्ट की हैं जूलियस सीजर की हैं या फिर ऑफ वेनिस के हैं और फैलो की हैं रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स बीज द राइट आंसर जूलियस सीजर जूलियस सीजर की लाइन हैं कावर्स डाई मैनी टाइम्स बी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट क्सपीरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स विलियम शेक्सपियर कौन से प्ले से लाइन ली गई है लाइन है द ब्राइट डेज डन द्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क ऑप्शन है एंटोनी क्लिपेटर ऑप्शन बी हेमलेट ऑप्शन सी किंग्लियर ऑप्शन डी मीजर फॉर मेजर मेजर फॉर मेजर क्या है डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी है ओके मेजर फॉर मेजर शॉम्बर प्ले भी है प्रॉब्लम प्ले भी है ओके ऑप्शन इज द राइट आंसर द ब्राइट इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क एंटोनियन ए इज द राइट आंसर एंटोनियन क्लपेट्रा की lines हैं। हैंक्स्ट बी एक्टेड क्विकली एट द फर्स्ट वार्निंग ऑफ द फील्ड यहाँ पर जो वर्ड है क्विकली पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्विकली क्या है वर्ब है एडजेक्टिव है एडवर्ब वर्ब है प्रेपोजिशन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इजी वन है फ्रेंड्स एक्ट इज वर्ब क्विकली इज एड इज द राइट आंसर यहां पर क्विकली जो है एडवर्व है सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट द अदर चिल्ड्रेन टू देयर होम ओके द अदर चिल्ड्रेन टूक देयर होम यहां पर अदर क्या है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव रिस्पॉन्स इमिडिएटली फ्रेंड्स चिल्ड्रेन इज ए नाउन अदर इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को तो दिस इज द राइट आंसर अदर यहां पर क्या है एडजेक्टिव है ओके नेक्स्ट ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यहां पर फ्रेंड क्या है वर्ब नाउन एडवर्ब, एडजेक्टिव एजेक्टिव रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वन ऑफ माइंड नन ऑफ माइंड फ्रेंड ऑफ माइंड इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बेशक क्या हो जाएगा नाउन कहलाएगा बी इज द राइट आंसर यहां पर जो फ्रेंड है एज नाउन आया है इज द राइट आंसर नेक्स्ट वेल आई डोंट थिंक आई विल बी म बिफोर यहां पर वेल क्या है एजेक्टिव इंटरजक्शन प्रेपोजिशन प्रोनाउन रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फ्रेंड्स वेल वेल यहां पर कॉमा भी लगा है बेल को संबोधित किया गया है यहां पर इंटरजक्शन है बी इज द राइट आंसर बेल यहां पर क्या है इंटरजक्शन है ओके बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट अ पर्सन हु शोज ऑफिस लर्निंग अ पर्सन सोज फ्रेंड्स यहाँ पर हिज होगा अ पर्सन शोज हिज लर्निंग पेडेंट एजुकेशनिस्ट एक्सेविटर रिसर्चर क्या होगा अ पर्सन हु शोज हिज लर्निंग ऑप्शन इज द राइट आंसर पेडेंट क्या हो जाएगा पेडेंट इज द राइट आंसर अ पर्सन हु डिवोर्स हिज हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स अ पर्सन हु डिवोर्स हिज पब्लिक हर लाइफ फॉर वेलफेयर अदर्स आल्ट्रिस्ट हेरमिट वॉलेंटियर मार्टियर रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर आल्ट्रिस्ट क्या हो जाएगा ए ओके नेक्स्ट द स्टडी ऑफ वार्म एंड इंसेक्ट्स टैक्सीड्रमी एंटीमोलॉजी वर्निथोलॉजी नन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ वार्म्स एंड इंसेक्ट्स बी इज़ द राइट आंसर इंटीमोलॉजी ओके ऑरिंथोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ बर्ड्स ये क्या है स्टडी ऑफ बर्ड्स स्टडी ऑफ बर्ड्स और ऑरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ वार्म इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा एंटीमोलॉजी बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट A person who attains to the disease of the eye is an oculist, optimist, obstetrician, option D, optician. Response immediately. Question number 51. A person who attains the diseases of the eye is called oculist. A is the right answer. Next. कॉल्ड विलियम शेक्सपियर आ जोह फैक्टोटम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये हुम शेक्सपियर जोह फैक्टोटम आ जैक ऑफ आल ट्रेड्स क्राइस्टर मार्लू शमोल जॉनसन रॉबर्ट ग्रीने विलियम वर्ट्सवर्थ रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इंपॉर्टेंट है टू थाउजेंड टी जी टी एग्जाम 2021 में यह पूछा गया है रॉबर्ट ग्रीने इज द राइट आंसर ओके रॉबर्ट ग्रीने ने विलियम शेक्सपियर को जोह फैक्टूटम अजैक ऑफ आल ट्रेड्स कहा है सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मालतीज फेडफ डैश द वेदर फ्रॉम बिथ और अबाउट रिस्पॉन्सिमिडिएटली पॉजिशन से क्वेश्चन है यहां ब्लैंक स्पेस में फ्रॉम आएगा विथ आएगा ओवर आएगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स मालतीज फेडअप फेडअप के बाद हमेशा जो प्रोविशन आता है बिथ आता है बीज द राइट आंसर क्या हो जाएगा फेडअप बिथ बीज द राइट आंसर हुई चॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिटर्न बाई जॉन गर्दी डेवन टू मी रसिया अमेरिका पास्ट एडमोनिश टू ए ट्रेवलर रिस्पॉन्सिबिलिटली कौन सा वर्क जो है गार्ल्स वर्दी का नहीं ऑप्शन ए डेवन टू मी रसिया अमेरिका पास्ट यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी जो है राइट है एडमोनिश टू ए ट्रेवलर ये गार्ल्स वर्दी का नहीं है ओके नेक्स्ट फीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटर्न बाई जॉन मिल्टन कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है ऑफ एजुकेशन एरियोपोजिट का ऑन शेक्सपियर आलमा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड फ्रेंड्स इज इवन है डी इज द राइट आंसर ऑफ एजुकेशन सिक्सटीन फोर्टी फोर में आता है एरपोजिट का सेम ईयर सिक्सटीन फोर्टी फोर ऑन शेक्सपियर सिक्सटीन थर्टी ओके डी इज़ द राइट आंसर डी जो है आलमा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है आप एजुकेशन एरिट का ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी के वर्क हैं, ओके गट इट नेक्स्ट द कैरेक्टर बेटरीज एंड बेनेटिक अपियर्स इन शेक्सपियर्स प्ले शेक्सपियर के किस प्ले में बेटरीज एंड बेनेडिक नाम का करेक्टर आता है बेटरीस एंड बेनेडिक लवस लेबर लॉस द कॉमेडी अवीरस ऑप्शन मच अ डू अबाउट नथिंग या ऑप्शन डी आईज लाइक इट रिस्पॉन्स इमीडिएटली द करेक्टर्स बेटरीज एंड बेनिडिक्स अपियर इन शेक्सपियर्स प्ले मच अ डू अबाउट नथिंग सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज डिसर्नमेंट की राइट स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बी राइट या फिर ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग डिसर्नमेंट फ्रेंड्स फोकस ईयर डी आई एस सी ई आर एन एम ई एन टी डिसनमेंट ओके मैचिंग कर लीजिए डी आई एस सी ई आर एम ई एन टी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डी आई एस सीई आर एन एम ई एन टी सी जो है राइट right है नेक्स्ट द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा टू फ्रॉम इन फॉर द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू नेक्स्ट ऑफ़ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क नहीं है सॉन सॉन्ग द थॉर्न सेंट प्रोग्रेस फ्लावरिंग वल्डरनेस रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स इज इवन है सोन सॉन्ग वर्क है सेंट प्रोग्रेस है फ्लावरिंग वेल्डरस है गर्ल्स वर्दी का वर्क है यहां पर जो वर्क नहीं है वो है द दर्न द थॉर्न किसका वर्क है विलियम वर्ड्स वर्थ ओके इज तो द राइट आंसर गॉट इट फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच टेन थाउजेंड सा आई एट आर ग्लांस इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्जीमोरॉन हैपरबली पन ट्रांसफर एफिथेट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फ्रेंड्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच टेन थाउजेंड सा आई एट आ ग्लैंस यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ़ स्पीच का यूज हुआ है बीज द राइट आंसर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएँ कि आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों ने कितना स्कोर किया फ्रेंड्स यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक like करें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स यह सेशन अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पार्ट वन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के सिक्सटी तक सॉल्व कर लिया था आज की क्लास में सिक्सटी वन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी कौन सा प्लेज है जॉन गॉल्सवर्दी का नहीं है जस्टिस नहीं है सिल्वर बॉक्स नहीं है डैपल कार्ट नहीं है या फिर ऑप्शन डी स्ट्राइफ नहीं है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन माई फ्रेंड्स जस्टिस गर्ल्स वर्दी का प्ले है सिल्वर बॉक्स गर्ल्स वर्दी का प्ले है स्ट्राइफ गर्ल्स वर्दी का प्ले है जस्टिस प्ले, प्ले जो है नाइनटीन टेन में आता है सिल्वर बॉक्स नाइनटीन ओ सिक्स में आता है स्ट्राइफ 1909 में आता है ओके ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर द एप्पल कार्ड जो है एक गर्ल्स का वर्क नहीं है सी इज़ द राइट आंसर गॉट इट फ्रेंड्स ये सिल्वर बॉक्स जो है गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है ध्यान रखिएगा गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है सिल्वर बॉक्स नाइनटीन और सिक्स में आता है गट इट थ्री एक्ट कॉमेडी है थ्री एक्ट कॉमेडी ओके गट इट राइट आंसर इज द एप्पल कार्ट सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट द प्रोज गौथिक नोबेल डिनोट्स ऑप्शन डी द मेडल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वर्क या ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एजेस ऑफ एन सफिसाइट विथ ग्लूमी कैसल या ऑप्शन सी अ नॉवेल फुल विथ मिस्टीरियस इन मॉडर्न एज या ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ फिक्शन विथ एग्जॉटिकटिंग रिस्पॉन्स इमेडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा गौथिक नोबल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गोथिक नोबल क्या होता है अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल शफाइज विथ ग्लोमी कैशल ओके बी इज द राइट आंसर घट इट इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है वी डिड नॉट गेट होम डैश फोर ए एम यहाँ ब्लैंक स्पेस में एट आएगा आफ्टर आएगा टेल आएगा टू आएगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्या फिलअप किया जाएगा बी डि नाट गेट होम एज फोर ए एम एट आएगा ए इज द राइट आंसर ओके यहाँ पर एट फिलअप किया जाएगा गोट इट नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप होगा एट बाई इन या फिर ऑप्शन डी ऑफ रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट बीज द राइट आंसर यहां पर बाई प्रे पोजिशन फिलअप किया जाएगा बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट आ स्टोरी इन वर्स ऑफ प्रोज विथ आर डबल मीनिंग इज पॉपुलरिटी नॉन एज शटायर आयरनी एलेगरी फेबल रिस्पॉन्स इमीडिएटली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर स्टोरी इन वर्स आफ प्रोज विद आर डबल मीनिंग इज पॉपुलरिटी नॉन एज शटायर आयरनी एलेग्री फेबल क्या होगा यहां पर फोकस करिए आई स्टोरी इन वर्स आफ प्रोज विथ डबल मीनिंग ओके एलेग्री हो जाएगा सी इज द राइट आंसर किसकी बात हो रही है एलेग्री की बात हो रही है सी इज द राइट आंसर गट इट एलेग्री क्या होती है आई स्टोरी इन वर्स आ प्रोज विथ डबल मीनिंग ओके सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैस शेवरल पार्ट्स प्रे पोजिशन का क्वेश्चन है क्या फिलअप किया जाएगा इंटू विथ अमंग रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स ऑप्शन इज द राइट आंसर इंटू फिलअप किया जाएगा ओके बी डिवाइडेड द प्रोपर्टी इन टू सेवरल पार्ट्स ए इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट योर बिहेवियर डज नाट एडमिट डैस एनी एक्सक्यूजेस इन आफ फार टू कौन सा प्रिपोजिशन आएगा रिस्पॉन्स इमिडिएटली इन फ्लिप किया जाएगा ऑफ फॉर टू रिस्पांस इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एडमिट के बाद ऑफ प्रिपोर्शन यूज किया जाता है तो इज द राइट आंसर बे इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट बिल नो वन टेल मी वाट सी सिंग्स पर हैव द प्लेन टू नमनेस फ्लो एब लाइन्स एफियर किस पोएम की लाइन है ट्रूल या ऑप्शन बी अनचेंजेबल या ऑप्शन सी सोलाइटी रिपर या ऑप्शन डी लूसी ग्रे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विल नो वन टेल मी वाट सी सिंग्स ओके इम्पॉर्टेंट लाइन है ये लाइन टी जी टी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पूछी गई है एवं जो लाइन है सोलाइटी रीपर की लाइन है सी इज़ द राइट आंसर सोलाइटी रीपर जो पोएम है एटीन जीरो सेवन में पब्लिश होती है पोएम इन टू आइलूम्स ओके okay. विलियम वर्ड का पोयम का कलेक्शन आता है पोएम इन टू वॉल्यूम्स ओके सी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट वाट इज इओफोनी ईफोनी क्या है प्लेजेंट साउंड सीरियस साउंड बिटर साउंड मिक्सड साउंड रिस्पॉन्स इमिडियटली इजी है बट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स करें आप लोग प्लेजेंट साउंड सीरियस साउंड बिटर साउंड मिक्सड साउंड वाट इज ईफोनी ईफोनी जो होता है प्लीजेंट साउंड होता है इज द राइट आंसर फ्रेंड्स एक वर्ड होता है कैकोफोनी कैकोफोनी, ओके ईयोफोनी प्लेजेंट साउंड कैकोफोनी हार्स साउंड ओके ध्यान में रखिएगा ईयोफोनी आएगा तो प्लेजेंट साउंड हो जाएगा कैकोफोनी आएगा तो हार्स साउंड हो जाएगा ओके गट इट नेक्स्ट चेंज इन टू पैसीवाइस आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स इस सेंटेंस को पैसीवाइस में चेंज करना है ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वाट विल बी द राइट आंसर देख लीजिए आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स तो हिम सब्जेक्ट का कार्य करेगा हिम का हो जाएगा ही सेंटेंस जो है सिंपल टेंस है तो पैसे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ड यूज करना होगा तो हो जाएगा ही वाज शा का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीन ओके okay. फिर ओपनिंग ओपनिंग मैच कर लीजिए ही वाज सीन यहाँ पर ओपन आई नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स ऑप्शन बी हो सकता है ऑप्शन सी नहीं होगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स ओके ऑप्शन बी जो है पैसी वाइस में सेंटेंस है ही वाज सीन ओपनिंग बाई ओपनिंग द बॉक्स ओके बाई मी गॉट इट ये जो हिम हो गया ही मे चेंज सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वाइस में रूल होता है कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग यूज होगी तो यहाँ पर वाज लग जाएगा फ्रेंड्स साकी थर्ड फॉर्म सीन यहाँ पर ओपनिंग जो है ओपनिंग ही रहेगा ओके तो बी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक अवश्य दें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगी सेशन अच्छा लगी तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें लाइक like करें सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फिल इन द ब्लैंक शी गेव हिम डैस ही वांड क्या फिलअप किया जाएगा वाट दैट दैट विच दैट वाट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन शी गेव हिम वाट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहां पर वाट फिलअप किया जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू फील इन द ब्लैंक आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेशन यहां पर कौन सा प्रिपोजिशन आएगा एट आएगा विथ फॉर इन रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू आई विल सिट क्या फिलअप करेंगे यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए एट विथ फॉर इन फ्रेंड्स ऑप्शन एज द राइट आंसर यहां पर एड प्रिपोजिशन फिलअप किया जाएगा ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट सेवेंटी थ्री फील इन द ब्लैंक वॉलपोर्न फेल अ विक्टिम डैश हिज ऑन ग्रेड कौन सा प्रीपोजिशन फिल किया जाएगा टू ऑफ अबाउट फॉर रिस्पॉन्स इमीडिएटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स ऑल वॉल्फेल आ विक्टिम टू ऑप्शन इज द राइट आंसर विक्टिम टू होता है ओके टू फिलअप किया जाएगा गॉट इट इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड एबव लाइन्स ये जो लाइन है किस पॉइंट की लाइन है टेबल टर्न की है टिंटर नवे की है दर्ड इज टू मच बी दस की है या वोर्ड टू ड्यूटी की है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड रिस्पॉन्स इमीडिएटली ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा एव लाइन जो है वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड टेबल स्टंड की लाइन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके गॉट इट नेक्स्ट वाट डज द एडियम स्मेल आर रेड एज एडियम है इस्मला रेट मीन्स टू हैव रीजन टू टाक बोस्टफुली टू टाक अनफेयरली या ऑप्शन डी टू डिस्करेज क्या होगा ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव जो ईडीएम है इस्मल आ रेट इस्मल रेट मीन्स होता है टू टॉक अनफेयरली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्लेटिट्यूड की राइट right स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट है बी राइट right है सी राइट right है डी राइट right है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है फ्रेंड्स आप लोग अपना आंसर गैस करें ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा फ्रेंड्स प्लेटीट्यूड। फोकस ईयर अटेंशन प्लीज पी एल ए टी आई टी यू ई पी एल ए टी आई टी यू ई ओके प्लेटिट्यूड मैच कर लीजिए पी एल ए टी आई टी यू डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी जो है राइट right आंसर है ओके नेक्स्ट हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस गार्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस उस प्ले जस्टिस में रोल्ड क्लीवर कौन है ऑप्शन ए गवर्नमेंट काउंसिल या ऑप्शन बी डिफेंस काउंसिल या ऑप्शन सी जज या ऑप्शन डी मैनेजिंग क्लर्क रिस्पांस इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर हेरोल्ड क्लीवर रिस्पॉन्स इमीडिएटली का जो प्ले जस्टिस है ये जो प्ले जस्टिस है नाइनटीन टेन में आता है ध्यान रखिएगा नाइनटीन टेन में आता है इस प्ले में करेक्टर है हेरोल्ड क्लीवर ये जो है गवर्नमेंट काउंसिल है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके गॉट इट नेक्स्ट विलियम फाल्डर लफ्स डैश ऑप्शन ए रुथनी ऑप्शन बी मार्गरेट या ऑप्शन सी रुथफायल या ऑप्शन डी क्लियोपेट्रा रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस ओके जस्टिस प्ले में करेक्टर है विलियम फाल्डर ये विलियम फाल्डर है किससे प्यार करता है रुथ हनीवेल मार्गरेट मारग्रेट रुथफायल क्लियोपेट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रुथ हनीवेल ओके ए इज द राइट आंसर विलियम फॉल्डर की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है ओके ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट द इर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजडी नॉन एज द ऑफ जजमेंट इन ट्रेजडी यहां पर इन कर लीजिए द इर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजडी इज नॉन एज हमार्शियर ट्रेजडी कैटेस्ट्रोफी कथारसिस रिस्पॉन्स इमीडिएटली सेवेंटी नाइन एरर ऑफ जजमेंट क्या है हमारसिया है ट्रेजिडी है कटेस्ट्रॉफी है कथारसिस कथारसिस है. क्या होता है प्रोगोशन ऑफ इमोशन ओके यहां पर जो एर ऑफ जजमेंट है हमारसिया है ए इज द राइट आंसर एरर ऑफ जजमेंट क्या कहलाता तो है हमारसिया ओके एज द राइट आंसर नेक्स्ट वाट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क कौन सा है जॉसलिन है फ्राम द फोर विंड्स है या फिर ऑप्शन सी द आइलैंड फेयरसीज है या ऑप्शन डी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स इमेडिटली ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैस करिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा जैसलिन फ्राम द फोर बिट्स द आइलेंड फेरसिस द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स फर्स्ट वर् जो गर्ल्स वर्दी का है ऑप्शन बी फ्राम द फोर बिंट्स फ्राम द फोर बिंट्स है ये जो वर्क है एटीन नाइन्टी सेवन में आता है ओके ये क्या है अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी आ कलेक्शन ऑफ स्टोरी है ओके आ कलेक्शन ऑफ स्टोरी है इसी वर्क को गाल स्वर जी फर्स्ट माई कहा है फर्स्ट माई सिन ओके फर्स्ट माई शिन कहा है गार्ल्सवर्दी ने फ्रॉम द फोर बेंड्स ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके फ्रेंड्स बाकी जॉसलिन एटीन नाइन्टी नाइन में आता है ये क्या है फुल लेंथ नोबेल है ये पूछा गया ये सेंटेंस है ध्यान रखिएगा फुल लेंथ नोबेल है ओके ध्यान में रखना जॉयसलिन कब आता है एटीन नाइनटी नाइन में आता है ओके आइलैंड फेरसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखेगा द आइलैंड फेरसिस जो है गाल्सवर्दी वर्दी के रियल नेम से आता है ओके रियल नेम उनके अपने नाम से पब्लिश होता है बाकी जो गाल्सवर्दी वर्दी के वर्क जो पब्लिश होते हैं जॉन सिंजन के नाम से पब्लिश होते हैं बट आइलैंड फेरसिस जो है गार्ल्स वर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है नाइनटीन जीरो फोर में ओके नाइनटीन जीरो जीरो फोर में इसी वर्क को गार्ल्स जी प्ले पिजन में द पिजन ओके 1912 में आइलैंड फेरसिस को ही गार्ल्सवर्दिजी पिजन में कन्वर्ट कर देते हैं 1912 में ओके फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ओके आइलैंड फेरसिस क्या है गार्ड्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है 1904 में आता है आइलैंड फेसिस को ही गर्ल्स वर्दीजी नाइनटीन में द पिजन में कन्वर्ट कर देते हैं ओके फ्रेंड्स ए जो वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नोबेल है 1906 सिक्स में आता है ओके फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नावल भी है ध्यान रखना गर्ल्स वर्दी की जो ट्रायलॉजी है फर्स्ट ट्रायलॉजी फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नावल है ओके, okay. बट यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वाट वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ जान गार्ल्स वर्दी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम द फोर बिंट्स ओके गॉट इट नेक्स्ट वाट वर टू काइंड्स ऑफ ग्रीक लिरिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाट वर टू काइंड्स ऑफ ग्रीक लिरिक ऑप्शन ए लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑप्शन बी ब्राइट एंड लो ऑप्शन सी सिंगल एंड डबल या ऑप्शन डी कोरिक एंड मोनोडिक रिस्पॉन्स इमेडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा वाट वर द टू काइंड्स ऑफ यहाँ पर फोकस करिए टू काइंड्स ऑफ ग्रीक लिरिक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कोरिक एंड मोनोडिक डी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट द इरर इफ आइनिंग इरर फाइंड आउट करिए कोई इरर आपको संभव लगे पॉसिबल लगे सेंटेंस ये है नो सूनर वी इंटर्ड दैन ही गाटअफ एंड लेफ्ट द रूम नो एरर सेंटेंस है नो सूनर वी इंटर्ड दैन ही गाटअफ एंड लेफ्ट द रूम नो एरर चलिए फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर है ऑप्शन ए में है बी में है सी में है डी में है रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए मेर है ओके ध्यान रखिएगा क्या इरर है ऑप्शन ए मेर ये है कि जब भी सेंटेंस नो सोनर वाला आएगा तो ध्यान रखिएगा नो सोनर ओके नो सोनर के बाद डिड लगाना है ओके डिड प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ओके प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक तो ये हो गया दूसरा रूल यदि ऐसा संटेज नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट रूल देख लीजिए नो सूनर ओके नो सूनर आएगा नो सूनर के बाद हैड हैड के बाद सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट के बाद वी थ्री ध्यान में रखना है तो यहां पर पार्ट ए मिरर है नो सूनर के बाद डेड यानी इन्वर्जन आएगा इन्वर्जन क्या होता है पुटिंग द दर बिफोर द सब्जेक्ट ओके नो सूनर का सेंटेंस होगा तो इन्वर्जन जरूर होगा इन्वर्जन में टू रूल्स आप लोगों को फॉलो करना है नो सूनर के बाद डेड डेड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नो सूनर नो सूनर के बाद हैड हैड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद बी थ्री ओके ध्यान रखना है फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है नो no सूनर के बाद जो भी कंजक्शन यूज होगा वो दायन यूज होगा ओके तो यहां पर ऑप्शन ए में इरर है तो इसलिए ए इज द राइट आंसर ओके यहां पर आप क्या कर दीजिए नो सोनर डायरेक्ट यहाँ पर आप कर दीजिए हेड ओके नो सोनर हैड भी इंटर्ड

ए मेर है बी मेर है सी मेरर है या फिर डी नो एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली किस पार्ट में एरर है इट वॉज सजेस्टेड बाई द डॉक्टर दैट पेशेंट शुड बी टेकन केयर फ्रेंड्स यहां पर पार्ट सी मेरर है पार्ट सी मेरर क्या है क्या है ध्यान दीजिए केयर के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशन यूज होगा ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा शुड बी टेकन केयर ऑफ ओके सी इज द राइट आंसर गॉट इट इट वॉज सजेस्टेड बाई द डॉक्टर दैट पैसेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ ओके गट इट नेक्स्ट शनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज शब मिस्यू शब मिस्यू का सिनोनिम देना है सब मिस्यू अनयल्डिंग होगा डुसाइल होगा स्टूप बर्न होगा या फिर ऑफ्टीनेट होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर सिनोनिम ऑफ द वर्ड शब मिस्यू ओके बी इज द राइट आंसर डिसाइल हो जाएगा का सिनोनिम क्या हो जाएगा डुसाइल सबमिश्यू मींस होता क्या है पोलाइट विनम्र ओके डुसाइल इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आफलिएंट। इज वर्ड है आफलिएंट। ऑफ्लियंट का सिनोनिम क्या होगा पुअर पॉवर्टी, वेल्दी फ्रेंडली रिस्पॉन्स इमिडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ऑफ्लियंट सी इज द राइट आंसर बेल्दी ऑफ्लियंट का जो सिनोनिम हो जाएगा बेल्दी हो जाएगा ओके सी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट चेंज इंटू पैसीवाइस द चिल्ड्रेन लाव्ड एट मी पैसीवाइस में चेंज करना है ऑप्शन ए राइट है बी राइट right है सी राइट right है डी राइट right है रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स चेंज इन टू पैसीवाइस माई डियर फ्रेंड्स अटेंशन प्लीज आई वाज सेंटेंस क्या है सिंपल पास्ट टेंस में है ये तो पैसे वाइस में जो वर्ब लगेगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की लगेगी तो आई वाज फिर क्या हो जाएगा लाफ्ड ओके बट जो प्रेपोजिशन आता है वो अपनी जगह पर ही रहता है तो लाफ्ड एट हो जाएगा आई वाज लाफ्ड एट बाई द चिल्ड्रेन ओके मैच कर लीजिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लाफिंग किया गया है जो कि रॉन्ग है ऑप्शन बी में यहाँ पर एम जो कि रॉन्ग हो गया ऑप्शन ए यहाँ पर प्रे पोजिशन यूज नहीं किया गया है ओके okay? तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया सी इज़ द राइट आंसर आई वॉज लव्ड एट बाय द चिल्ड्रेन गट इट नेक्स्ट एंटनीम ऑफ चूज एज ए वर्ड है चूज चूज का एंटनीम बताना है वांट, डिजायर, डिसलाइक रिजेक्ट रिस्पॉन्स इमिडिएटली वॉन्ट होगा डिजायर होगा डिसलाइक होगा रिजेक्ट होगा चूज का एंटेनिम ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा रिजेक्ट ओके डी इज द राइट आंसर चूज मीन्स चुनना रिजेक्ट मीन्स हटा देना ओके okay. यहाँ पर डिसलाइक नहीं होगा डिसलाइक मीन्स होता है पसंद ना करना ओके okay. यहां पर डी राइट आंसर होगा रिजेक्ट गॉट इट एंटेनिम ऑफ द वर्ड डिलीटेरियस ये जो वर्ड है डिलीटेरियस इसका एंटेनिम क्या होगा इंजूरियस हजारडस बेनिफिशियल परनीसियस रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट्टी एट एंटेनिम ऑफ द वर्ड डिलीटेरियस इंजूरियस होगा हजारडस होगा बेनिफिशियल होगा पारनीशियस होगा ये आंसर रिस्पॉन्स इमिडिएटली फ्रेंड्स डिलीटेरियस मीनस होता है खतरनाक डेंजरस ओके डेंजरस बट यहाँ पर एंटेनिम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बेनिफिशियल हो जाएगा क्या हो जाएगा बेनिफिशियल इंजूरियस हजारडस परनिशियस ये तीनों वर्ड इसके क्या हैं शिनिम हैं ओके इंजूरियस हजारडस परनिशियस तीनों मीनिंग डिलीटेरियस की सिनोनिम्स हैं बट यहाँ पर एंटेनिम पूछा गया है इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा डिलीटेरियस हानिकारक बेनिफिशियल लाभदायक गॉटिक नेक्स्ट हुई आ पोएम अर्नाल्ड हैज क्रिटिसाइज एज लेकिंग इन पोइटिक ट्रूथ अर्नॉल्ड ने किस पोएम को क्रिटिसाइज किया है ध्यान दीजिए फोकस ईयर लेकिंग इन पोइटिक ट्रूथ ओके ऑप्शन ए द प्रल्यूट ऑप्शन बी इमोटलिटी वोट या ऑप्शन सी टिंटर्नबे या ऑप्शन डी लिरिकल बट्स किस वर्क को अर्नाल्ड ने लेकिंग इन पोइटिक ट्रूथ क्रिटिसाइज किया है प्रल्यूट इमोटलिटी वोट टिंटरनबे लिरिकल बर्ट्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन बी इज द राइट आंसर इमोर्टलिटी वोड क्या हो जाएगा इमोर्टलिटी वोड हो जाएगा ओके बी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट लुइस कैरोल इन हिज नॉबल थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 पैरोडीज वन पैरोडिज वर्ड्स वर्थ लुइस कैरोल ने अपने नॉबल थ्रू द लुकिंग ग्लास ओके इनका नॉबल कब आया ध्यान रखिएगा 1871 में पैरोडीज वर्ड्स वर्थ पोएम वर्ड्स वर्थ की पोएम की पैरोडी की है कौन सी पोएम है टिंटर्नबिक वोट द डेफोडिल्स या ऑप्शन डी रेजल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही फैक्ट है लुइस कैरोल ने पैरोडी की है ओके okay. विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोएम है और जिस नॉवल के माध्यम से की है उस नॉवल का नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास ओके ये नॉवल आता है 1871 सेवेंटी वन में जिस वर्क की पैरोडी की है वो वर्क है ऑप्शन डी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लुइस कैरोल ने थ्रू द लुकिंग ग्लास के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की पैरोडी की है गॉट इट Next Matter written by hand is known as Manuscript Pseudonym Parable Post-mortem Response immediately What will be the right answer? Matter written by hand is known as Manuscript is the right answer Manuscript ho jayega. Okay Got it? Next अ नॉइजी नॉइजी अ नॉइजी एंड बम्बोस्टिक स्पीच एड्रेसेड टू आ लार्ज असेंबली इनविंसिबल इन एक्सेबल इनविटेबल या ऑप्शन डी नन रिस्पॉन्स इमिडिएटली फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटली अनुजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस्ड टू आ लार्ज असेंबली फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्या बोलेंगे हरेंगू ओके हेरेंगी हो जाएगा हेरेंग्यू क्या होता है अनुवाइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली ओके डिज द राइट आंसर नेक्स्ट अक्रिंग एट नाइट नाइटली डार्क न्यूरोटिक नोक्चनल रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्या होगा अक्रिंग एट नाइट ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट नाइन्टी फोर क्वेश्चन नंबर 94, फोर शिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड एथेंटिकेट एथेंटिकेट की शिनोनिम बताना है एम्पलीफाई कन्फ्यूट सब्सटेंटिएट या ऑप्शन डी वंडरिंग वाट विल बी द राइट आंसर शिनोनिम ऑफ द वर्ड एथेंटिकेट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सब्सटेंसीट क्या हो जाएगा सब्सटेंसीट सी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव एंटेनिम ऑफ द वर्ड टर्मिनेट टर्मिनेट का एंटेनिम देना है डिपार्ट विगिन चेंज व्हाट विल बी द राइट आंसर रिस्पॉन्स इमीडिएटली एंटेनिम ऑफ द वर्ड टर्मिनेट गेस अर आंसर टर्मिनेट मींस होता है किसी भी कार्य को समाप्त कर देना ओके okay? बंद कर देना सी इज द राइट आंसर बिगिन बिगिन मीन्स क्या होता है प्रारंभ करना ओके टर्मिनेट मीन्स क्या होता है किसी कार्य को रोक देना तो अपोजिट क्या हो जाएगा बिगिन सी इज द राइट आंसर ओके गॉट इट नेक्स्ट एंटेम ऑफ द वर्ड हेरीडिटरी एज जो वर्ड है का सिनोनिम फ्रेंड्स एंटोनिम क्या होगा कैरिड एक्वायर्ड पॉजिट रिगेंड रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स हैरीडिटरी एज वर्ड हैरी डिटरी इसका एंटेनिम क्या होगा हेरीडिटरी मीन्स होता है विरासत में प्राप्त विरासत में प्राप्त ओके okay? उसको बोलते हैं हेरिडिटरी इसका जो एंटेनिम हो जाएगा एक्वायर्ड बी ओके बी इज द राइट आंसर गॉट इट हेरिडिटरी का जो एंटेनिम हो जाएगा एक्वायर्ड हो जाएगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है ये ध्यान रखिएगा इनकनवीनियंस की स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली अटेंशन प्लीज आई एन इन सी ओ एन वी ई एन आई ई एन सी ई डी ओके मैच कर लीजिए आई एन सी ओ एन वी ई एन आई ई एन क्या यहाँ पर है आई ई एन है फिर सी ई डी मैच करिए ऑप्शन डी में एन e आई यहाँ पर ई e नहीं है रॉन्ग हो गया ऑप्शन सी आई एन सी ओ एन वी ई एन ई आई यहां पर क्या है ई आई एन सी ई डी ओके ऑप्शन सी भी नहीं होगा बी देख लेते हैं आई एन सी ओ एन वीई एन यहां पर आई नहीं है बी नहीं होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आई एन सी ओ एन वीई एन आई ई एन सी ई डी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके गट इट नेक्स्ट फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हाइपोक्रेसी हाइपोक्रेसी की राइट right स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट है बी राइट right है या ऑप्शन सी राइट है ऑप्शन डी राइट रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट की जो राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी हो जाएगी एच वाई पी ओके सी आर आई यस वाई होगा यहाँ पर फोकस करना है यहाँ पर सी नहीं यस होगा ओके हाइपोक्रेसी बी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेफ्रिजरेटर की राइट स्पेलिंग बताना है ऑप्शन ए राइट है बी राइट right है, C right है, D right है. सी राइट right है डी राइट है कौन सी स्पेलिंग राइट है रेफ्रिजरेटर ओके फ्रेंड्स फ्रिज की स्पेलिंग देख लेते हैं यफ आर आई डी जी ई ओके ये फ्रीज की स्पेलिंग है बट रेफ्रिजरेटर की जो स्पेलिंग होती है उसमें डी नहीं होता है ओके okay? तो जिस भी ऑप्शन में डी है उसको कट कर दीजिए ऑप्शन सी नहीं होगा रेफ्रिजरेटर में डी नहीं आता है आर ई F आर आई जी ई आर ए टी ओ आर आर -E ई एफ आर -E आई जी ई आर ए टी ओ आर रेफ्रिजरेटर मैचिंग कर लीजिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वंस अगेन ऑप्शन ए हो जाएगा ओके okay? ध्यान रखना है फ्रीज में डी आएगा बट रेफ्रिजरेटर में डी नहीं आएगा ओके गट इट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा स्पेलिंग राइट है स्कॉलरशिप की राइट है पार्टनरशिप की राइट है या आंट प्रन्योरशिप की राइट है या लीडरशिप की स्पेलिंग राइट है कौन सी स्पेलिंग राइट है रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन सी जो है राइट है आंट की स्पेलिंग राइट है ओके स्कॉलरशिप की स्पेलिंग रॉन्ग है क्या होगी ध्यान दीजिए यस सी एच ओ यल ए आर यहाँ पर क्या दिया गया ई e आर यहाँ ई e नहीं होगा ए होगा यल ए आर यस एच आई पी स्कॉलरशिप ओके पार्टनरशिप पी ए आर टी ओके यन ई आर यहाँ पर ए दिया गया ए नहीं बल्कि क्या होगा ई e होगा पार्टनरशिप यस एच आई पी पार्टनरशिप लीडरशिप में आर मिस है एल ई ए डी ई आर लीडर सिप यस एच आई पी ओके लीडर शिप तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना था तो सी इज द राइट आंसर आंटप्रन्योरशिप यह क्या है आंटप्रन्योरशिप ओके सी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट अ पार्टनर इन क्राइम फ्रेंड कॉमरेड अंप्लिस कंप्लिस रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर अ पार्टनर इन क्राइम फ्रेंड्स अ पार्टनर इन क्राइम अ होगा ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन बी नहीं हो सकता आप सी डी में से सेलेक्ट करिए सी होगा कि डी होगा अ पार्टनर इन क्राइम आ फ्रेंड्स आ कम्प्लिस मीन्स होता है फिनिश कर देना किसी कार्य को फिनिश कर देना ओके बट आ क्राइम इन पार्टनर यानी आ पार्टनर इन क्राइम डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आ कम्प्लिस क्या हो जाएगा आ कम्प्लिस ओके सह अपराधी इसको क्या बोलेंगे सह अपराधी जो अपराध में साथ दे उसको बोलेंगे आ कम्प्लिस ए डबल सी ओ एम पी एल आई सी सह अपराधी ओके डी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट प्रोफेशनल शोल्जर फ्रेंड्स यहाँ पर शोल्जर है एस ओ एल डी आई ई आर ओके शोल्जर क्या है यहाँ पर शोल्जर है नॉट शोल्डर आप प्रोफेशनल शोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरन आर्मी मर्सिनरी वेनल लिपिडेटर हायरलिंग रिस्पॉन्स इमिडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर प्रोफेशनल शोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मर्सिनरी, ओके ए इज द राइट आंसर ठीक नेक्स्ट वाट इज मीनिंग अ फ्रेज हेल एंड हार्टी हेल एंड हार्टी की मीनिंग क्या होगी ये फ्रेज है ईडियम है इसकी मीनिंग क्या होगी ऑप्शन ए स्ट्रांग एंड हेल्दी या ऑप्शन बी वीक या ऑप्शन सी स्ट्रेंथ या ऑप्शन डी स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंट व्हाट विल बी द राइट आंसर द फ्रेज हेल एंड हार्टी रिस्पॉन्स इमिडिएटली फ्रेंड्स हेल एंड हार्टी मीन्स होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन ए जो है राइट right हो जाएगा स्ट्रांग एंड हेल्दी गॉट इट नेक्स्ट गायनोक्रिटिसिज्म इज अ टर्म गिवेन वाई जो टर्म है गाइनोक्रिटिसिज्म किसने दिया वर्जीनिया वुल्फ एलेन शॉल्टर अलेक्जेंडर हॉलकॉट ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल यू द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर क्या होगा फ्रेंड्स गाइनोक्रिटिसिजम ये टर्म जो है एलेन सॉल्टर ने क्विंट किया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है अलेक्जेंडर हॉलकॉट इन्होंने कैप्सूल क्रिटिसिज्म टर्म दिया ओके कैप्सूल क्रिटिसिज्म ओके कैप्सूल क्रिटिसिज्म टर्म किसने दिया अलेक्जेंडर हॉलकॉट गाइनो क्रिटिसिज्म टर्म किसने दिया एलेन शॉल्टर बी इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट हीच ऑ ऑफ द फॉलोइंग फार्म इज टेकन बाय सेटन सेटन के द्वारा कौन सा फार्म लिया जाता है कौन सा रूप धारण किया जाता है कार्मोराइन टोट एंजल आल रिस्पॉन्स इमीडिएटली सेटन जो है जो करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का है कौन सा रूप धारण करता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कार्मोराइन टोड एंजेल सभी का रूप धारण करता है तो डी इज द राइट आंसर ओके गॉट इट नेक्स्ट इन वाट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट द फॉल टेक प्लेस पैराडाइज लॉस्ट बुक के किस पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में जो फॉल्ट टेक प्लेस होता है ऑप्शन ए बुक थर्ड ऑप्शन बी बुक टेंथ ऑप्शन सी बुक नाइन ऑप्शन डी बुक अलेवंथ रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में फॉल्ट टेक प्लेस होता है वो बुक है बुक नंबर नाइन सी इज़ द राइट आंसर बुक नंबर नाइन में फॉल्ट टेक प्लेस होता है सी इज़ द राइट आंसर गॉट इट पैर लॉस्ट जो वर्क है इसमें टोटल जो बुक्स की संख्या है ट्वेल्व है ओके ध्यान में रखिएगा सीज द राइट आंसर और ये वर्क जो है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में कम्प्लीट हो, होता है सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में पब्लिश होता है ओके नेक्स्ट चेंज इनटू टू पैसीवाइस सम बॉडी दिस हाउस इन 2001। ऑप्शन ए दिस हाउस हैड बिन बिल्ट इन 2001। या ऑप्शन बी दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2001। या ऑप्शन सी दिस हाउस वाज बिल्ट बाय सम बॉडी या ऑप्शन डी दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2001 कौन सा सेंटेंस पैसी वाइस में है सम बॉडी बिल्ट दिस हाउस इन 2001 इसका पैसी वाइस ऑप्शन ए राइट है बी राइट है सी राइट है डी राइट है फ्रेंड्स ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है मेन वर्क की सेकेंड फार्म यूज की गई है तो सिंपल सा लिखा जाएगा दिस हाउस वाज ओके दिस हाउस वाज बिल्ट इन टू वन मैच कर लीजिए ऑप्शन बी जो है राइट right हो जाएगा दिस हाउस वाज बिल्ट इन टू थाउजेंड वन बी इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट द प्लूरल फॉर हैंडफुल हैंडफुल का प्लूरल बताना है Handfuls होगा हैंड्स फुल होगा या handfuls होगा या फिर ऑप्शन डी हैंड्स फुल्स होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट वाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स handful का जो प्लूरल होगा handfuls ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर handfuls फुल्स मीन्स होता क्या है मुट्ठी भर ओके ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट हुईच वाज द लास्ट प्ले रिटर्न बाय शेक्सपियर शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले सबसे लास्ट में लिखा गया शिमलीन मैकबेथ ओथेलो टेम्पेस्ट रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन हुईच वाज द लास्ट प्ले रिटर्न बाय शेक्सपियर फ्रेंड्स सिंपल से याद रखना है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का सबसे लास्ट वर्क है ओके इसी वर्क को स्वान स्वांग कहा जाता है ध्यान रखना है स्वान स्वांग ओके लास्ट प्ले है लास्ट प्लेज प्ले में और कौन कौन से प्लेज आते हैं ध्यान रखना शिमलिन आएगा विंटर स्टेल आएगा ओके विंटर स्टेल ध्यान रखना है शिमलीन टेम्पेस्ट विंटर स्टेल ये विलियम शेक्सपियर के लास्ट प्लेज हैं हारमनी में इनका एंड होता है ओके फ्रेंड्स बट सबसे लास्ट यदि पूछा जाएगा तो ऑप्शन डी ही होगा द टेम्पेस्ट ए में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो डी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट द टर्म कार्टल सोनेट वाज कोइंड वाई ये जो टर्म है कार्टल सोनेट किसने कोइन किया जॉन ड्राइडन विलियम ब्लेक जियम हॉकिंस मैथ्यू रोनल्ड वाट विल बी द राइट आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर वन वन जीरो फ्रेंड्स ये जो टर्म है कार्टल सोनेट करटल सॉनेट क्या होती है एलेवन लाइन पोएम्स ओके या फिर कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा टेन पॉइंट फाइव लाइन्स पोएम करटल सोनेट ओके कर्टल सोनेट को जो क्वेंट किया है ऑप्शन सी जीएम हॉपकिंस सी इज़ द राइट आंसर जीएम हॉपकिंस गॉट इट नेक्स्ट वाट इज सिजौरा इन पोइट्री पोइट्री में सिजौरा का क्या महत्व है क्या मीनिंग है ऑप्शन ए अ लाइन कंटेनिंग कजोनेंस या ऑप्शन बी स्प्रंग रिदम या ऑप्शन सी अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कोमा या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर वन 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 सिजौरा जो है पोएट्री में अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा ओके गट इट नेक्स्ट व्हेन वाज़ द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ग्लोब थिएटर जल गया या ग्लोब थिएटर में कब आग लगी रिस्पॉन्स इमीडिएटली ये जो क्वेश्चन है वैन वॉज द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन सिक्सटीन फोर्टीन सिक्सटीन थर्टीन फिफ्टीन नाइनटी नाइन सिक्सटीन जीरो थ्री फ्रेंड्स जो ग्लोब थिएटर है सिक्सटीन सिक्सटी थ्री में बर्न डाउन होता है ट्वेंटी नाइन जून ओके सिक्सटीन फोर्टीन में रीविल्ड होता है रीविल्ड ओके पुनः बनाया जाता है फिफ्टीन नाइन्टी नाइन में ग्लोब थिएटर बनता है ओके इस विल्ड होता है फिफ्टीन नाइन्टी नाइन में ग्लोब थिएटर विल्ड होता है सिक्सटीन थर्टीन में ग्लोब थिएटर में आग लगती है सिक्सटीन फोर्टीन में ग्लोब थिएटर को रीविल्ड किया जाता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिएगा ब्लॉक थिएटर में जब आग लगती है वो तो प्ले कौन सा है जो परफॉर्म हो रहा होता है ध्यान हेनरी हैंनरी एट ओके हैंनरी एट वो प्ले है इस इसी परफॉर्मेंस के दौरान इसी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है इस प्ले का सब टाइटल है आल इज़ ट्रू क्या है आल इज ट्रू ओके कट इट बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट द साउल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज करेक्टर प्लॉट डिक्शन स्पेक्टिकल वाट वि राइट आंसर द साउल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजिडी का शाउल क्या है इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लॉट इज द शॉल्ड ऑफ ट्रेजिडी क्या होता है प्लॉट होता है बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर सटायर का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा टू मॉर्न टू अराउस टू प्रेज या ऑप्शन डी टू रेडिक्यूल फॉली आर विस रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टीन फ्रेंड्स द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर सटायर का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है वह ऑप्शन डी हो जाएगा टू रेडिक्यूल फॉली आर विस डी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट हु कॉल्ड वर्ड्स वर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइन विलियम वर्ड्सवर्थ को एगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान में रखिएगा लाइम ने कहा अर्नॉल्ड ने कहा एलियट ने कहा किट्स ने कहा रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स हो कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द एगोटिस्टिकल सबलाइम रिस्पॉन्स इमीडिएटली किड्स डीज़ द राइट आंसर जॉन किड्स ने विलियम वर्ड्स को द एगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है डीज़ द राइट आंसर गट इट हु कॉल्ड वर्ड्स वर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन किड्स इज द राइट आंसर डीज द राइट आंसर नेक्स्ट वाट वर द डेफोडिल्स डूइंग डेफोडिल्स क्या कर रहे थे जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स को देखा तो उस समय डेफोडिल्स क्या कर रहे थे ऑप्शन ए वंडरिंग ओवर द क्लाउड्स या ऑप्शन बी फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हेल्स या ऑप्शन सी स्पॉर्कलाइन वेब्स इन ग्ली या ऑप्शन डी टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस फ्रेंड्स यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जब विलियम वर्ड ने डेफोडल्स को देखा तो डेफोडल्स क्या कर रहे थे टोसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस डिज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट हुईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ऑप्शन ए करेक्ट है बी करेक्ट है सी करेक्ट है डी करेक्ट है रिस्पॉन्स इमीडिएटली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है ओके द पोएट एंड नॉबलिस्ट ओके बी इज द राइट आंसर बट यहाँ पर द पोएट एंड द नॉबलिस्ट यहाँ पर टू पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर इज नहीं आ रहेगा द पोएट एंड नॉबलिस्ट यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर इज आएगा जैसा कि बी ऑप्शन राइट है द नॉबलिस्ट विद द पोएट यहां पर भी सिंगल पर्सन है इसलिए आर की जगह पर क्या आएगा एज आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी जो है राइट आंसर है ओके गट इट नेक्स्ट किलिंग ऑफ ब्रदर पैट्री साइड रेजिसाइड साइड रेजी शाइड रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर वन नाइनटीन किलिंग ऑफ ब्रदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान में रखिएगा ये किलिंग ऑफ ब्रदर फ्रैटरी साइट बीज द राइट आंसर किलिंग ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगा फ्रैटरी साइट हो जाएगा फैटरी साइट क्या हो जाएगा किलिंग पैट्री साइट किलिंग ऑफ फादर ओके रेजिशाइट किलिंग ऑफ किंग ओके सोरिशाइट किलिंग किलिंग ऑफ सिस्टर ओके किलिंग ऑफ सिस्टर सोरिशाइट किलिंग ऑफ किंग रेजी किलिंग ऑफ ब्रदर पैटरीशाइट किलिंग ऑफ फादर पैटरीशाइट ओके तो बी इज द राइट आंसर गट इट नेक्स्ट द प्ल ऑफ ब्यूरो ब्यूरो का प्लूरल देना है ऑप्शन ए राइट है बी राइट right है सी राइट right है डी राइट right है रिस्पॉन्स इमीडिएटली द प्लूरल ऑफ ब्यूरो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बीरोक्स हो जाए क्या हो जाएगा ब्योक्स बी यू आर ई ए यू एकटेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है ध्यान में रखिएगा प्लुरल ऑफ ब्यूरो बीरोक्स ओके बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हु क्विंट द टर्म पथैटिक फैलसी पथैटिक फैलसी को किसने क्विन किया जॉन ड्राइडेन जॉन किट्स जॉन रस्किन विलियम ब्लैक रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान में रखिएगा पाथेटिक फ्लैसी जो टर्म है इसको जो क्विन किया है जॉन रस्किन सी इज़ द राइट आंसर पथेटिक फैलसी को किसने कोइन किया जॉन रस्किन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गॉट इट कब कोइन किया ध्यान रखिएगा 1843 में ओके okay? 1843 में जॉन रस्किन ने पथेटिक फैलसी टर्म को क्विन किया ओके गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट इरर इनिंग नीदर द सैलरी नॉट द वर्क एट मॉसफियर वर्क गुड इन दैट ऑफिस नो एरर पार्ट ए मेर है बी मेरर है सी मेर है डी मेर है किस पार्ट मेरर है ऑप्शन ए में बी में सी में या फिर डी में या डी नो एरर है रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू फ्रेंड्स नीदर द सैलरी नॉट द वर्क एट वर्क गुड इन दैट ऑफिस यहाँ पर ऑप्शन में इरर है हमेशा ध्यान रखना नीदर एन ई आई टी एच ई आर नीदर नार ओके जब भी सेंटेंस नीदर और नार का सेंटेंस आएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है जो भी वर्ब आप लोगों को यूज करना है तो नार के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा उसी अनुसार आप लोगों को वर्ब यूज करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है एटमोसफियर जो कि सिंगुलर है तो वर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा ओके समझ में आई नीदर नार से सेंटेंस स्टार्ट है तो हमेशा वर्ब आप लोगों को यूज करना है अकॉर्डिंग टू नार के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसी अनुसार आप लोगों को वर्ब यूज करना है ओके गॉट इट तो बीज द राइट आंसर यहाँ पर वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट इनर पार्ट ऑफ एनी इफ एनी ओके फाइंड आउट इट इफ़ एनी ऑप्शन ए मेरा रहे बी मेरर है सी मेरर है डी नो एर है रिस्पॉन्स इमिडिएटली आई एज सुनर आई एज यू रीच द पार्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर किस पार्ट मेरा रहे फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए मेरा रहे क्या इरर है ए सुनर एज नहीं होता है क्या होता है एज सुन एज ओके क्या होता है एज सुन एज होता है ना कि ए सुनर एज गॉट इट तो ऑप्शन ए में इरर है इसलिए ए इज द राइट आंसर आनर एज के स्थान पर क्या हो जाएगा आए सुन एज गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट पार्ट इफ एनी फाइंड आउट इट ईफ एनी इज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिम टू द गेस्ट ऑप्शन ए मेरा रहे बी मेरा रहे सी मेरा रहे या फिर डी नो इरा रहे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए मिरर है यदि हाइपोथेटिकल सेंटेंस आएगा किसी संभावना को व्यक्त किया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को वाज नहीं यूज करना है बल्कि क्या यूज करना है वर ओके या सेंटेंस आ जाए आई वाज आ किंग ओके मैं राजा होता ओके इफ आई वाज आ किंग यहां पर वाज नहीं लगेगा क्या लगेगा वर लगेगा ध्यान में रखना है हाइपोथेटिकल सेंटेंस में वर का यूज किया जाता है ना कि वाज का ओके तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है इसलिए ए इज द राइट आंसर गॉट इट नेक्स्ट फाइंड आउट इरर इफ एनी डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नाट गेट टिकेट्स फॉर आवर फ्रेंड्स नो एरर ऑप्शन ए मेर है बी मेर है सी मेर है डी मेर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए मेर है क्या एरर है डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता है इंस्पाइट ऑफ होता है ओके okay? इंस्पाइट के साथ आप यूज होता है बट इंस्पाइट के साथ आपका यूज नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्या है सुपरफ्लूस है यहाँ से आप लोगों को आपको रिमूव करना होगा तो ऑप्शन ए मिरर है इसलिए ए इज़ द राइट आंसर माई डियर फ्रेंड्स सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक अवश्य दें फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट करें फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को मेंशन करें यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स या सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू वेरी मच